माय सेल्फ नैना गुप्ता और मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। मुझे इस चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है काम करने में। शुरू में तो किसी को भी नहीं पता होता है कैसे करना, कैसे लोगों को ज्वाइन कराना, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, बिजनेस के बारे में नॉलेज, किसी को भी नहीं पता होता है। पर धीरे धीरे अगर आपको मालूम है कि मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें चाहिए, अपने ड्रीम, जो ड्रीम को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे अदर उससे, तो आप इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसको करके मैंने कुछ समझ में आया, कुछ ड्रीम्स लिए अपने और मैंने करना शुरू किया। जब शुरू किया तो हम मुझे वेस्टीज का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं पता था। प्रोडक्ट अच्छे लगे इस करके हम वेस्टीज हमने किया, खुद यूज किया और लोगों को यूज करना शुरू किया, यूज करना शुरू कराया। तो फिर क्या हुआ कि हमने जब लोगों को शुरू कराया तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। प्रोडक्ट अच्छे हैं तो हम लाना, हमने शुरू किया, मंगाना शुरू किया। यहाँ डीएलसीपी नहीं थी तो हम दिल्ली से जा जा के सामान लाया करते थे, हमेशा दिल्ली से जब सामान लाते थे फिर यहाँ लोगों को देते थे। इस तरीके की हमारी जर्नी चली, काफी सारी मतलब हर्डल्स आए। ऐसा नहीं इजी वे में हम चले गए हैं यूसीडी, ऐसा नहीं है। हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उन प्रॉब्लम्स को हमें शेयर नहीं करना है, हमें सोल्यूशन पे शेयर करना है, लोगों को ये बताना है कि हम कैसे आगे बढ़े। तो अगर आगे हमें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ मुश्किलें आएंगी, अगर उसको हमें समझना है, सीखना है, तो आज का टाइम, जो लॉकडाउन का टाइम, हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस समय आप लोग अपने आप को देख सकते हो कि हम कहाँ पे हैं और मैं कितना बिजनेस कर सकती हूँ या कर रही हूँ। अभी ये वाला प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है लॉकडाउन का, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जितना ही आप सीखते हैं उतना ही ज्यादा लोगों को सिखाते हैं, उतना ही ज्यादा आप कमाते हैं, ये बिल्कुल सच है। नहीं तो आप 2 महीने में आजमा के देख लीजिएगा कि जो आप सीख रहे हैं, अगर लोगों को नहीं सिखाएंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये आप मान के चलिए कि आपकी ग्रोथ आपके सीखने और सिखाने पे ही है। तो जो मैंने चीजें की, बहुत सारी चीजें हर्डल्स आए, उनको निकालते हुए हम आगे बढ़े। तो वो कुछ जर्नी में, प्यारी सी जर्नी जो हमारी है अभी तक की, उसको मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। वो आप लोग देखिए और जब आप देखेंगे तो अपने से रिलेट करिएगा। आप सोचिएगा कि मैं नहीं यहाँ पे हूँ, आप हैं। जो भी यहाँ पे बैठा देख रहा है बंदा, वो देखेगा कि आप यहाँ पे हैं, नैना गुप्ता मैम नहीं है। ठीक है, इस करके देखिएगा। वेस्टीज से हमारी जो जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वेस्टीज विश यू वेल्थ, आपको पता ही हमारा टैगलाइन है ये, और आप सभी लोग बोलते भी हैं, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो आप सभी लोग इन चीजों को समझिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और जिनकी वजह से आज मैं यूसीडी बन के बैठी हूँ आपके सामने, हमारे फाउंडर हैं मिस्टर गौतम वाली सर, इनके लिए एक जोरदार क्लैप, जितनी ज्यादा किया जाए उतना ही ज्यादा कम है। उनको थैंक्स करती हूँ, उनको सल्यूट करती हूँ कि आज इतने अच्छे मैनेजमेंट की वजह से और इतना अच्छा सिस्टम दिया उन्होंने, जिसकी वजह से हम सभी लोग ग्रोथ कर रहे हैं। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है, अच्छे प्लेटफॉर्म में जाने के बाद भी लोग नहीं करते हैं। तो मैं इनका बहुत तहे दिल से थैंक्स करूंगी कि सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिस करके हम लोग इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। ये हमारे 3 लोग हैं, आप सभी लोग, सभी लोग जानते, जितने लोग यहाँ पे हैं, दीपक सर है, मिस्टर गौतम वाली सर है और कन्वर सर है, जिन लोगों की वजह से ही आज हमारा वेस्टीज टॉप 30 पे वर्ल्ड में पहुंचा है और इंडिया में टॉप 1 पे है। हमारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन है, इन अवार्ड्स के बारे में भी आप लोग, सभी लोगों को पता है, सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं और सारे अवार्ड से नवाजा गया है हमारे वेस्टीज को और गौतम वाली सर को। इन सभी लोग इतने सारे अवार्ड ले चुके हैं जिस वजह से ही आज हमारा वेस्टीज टॉप 1 पे है और रिकॉग्नाइजेशन ग्लोबली हम लोगों को भी मिला है। टॉप 30 पे हम सभी लोग मतलब वेस्टियन जितने हैं वो अपने आप को ही करते हैं कि हम सब वर्ल्ड में 30 रैंक पे हैं। और हमारी ये वेस्टीज एम्बेसडर्स जितने हैं, आप सभी लोग इनके बारे में जानते ही हैं, बट मिस्टर पुरानी सर का चेक 26 से 27 लाख है, गुरशरण सर का सर चेक 23 से 24 लाख रुपए है। तो ऐसे सभी लोग हैं, इसमें हमारे सिद्धार्थ सर है जिनका 1 करोड़ प्लस का चेक है। तो क्या ये चेक हम लोग भी लेना चाहते हैं ना? अगर हम वेस्टीज में आए हैं, वेस्टीज इनको दे सकती तो मुझे क्यों नहीं दे सकती? वेस्टीज तो सभी को दे रही है, पर हम कितना ले सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपका हार्ड वर्क, आपका पैशन, आपका जुनून, यही आपको आगे कुछ बन के दिखाता है, कुछ करके दिखाता है। अगर आप में कोई जुनून नहीं है तो आप शायद नहीं सक्सेस हो सकते।
ये जितने सक्सेस लोग को आप देखते हो, सभी की स्टोरियां आजकल आप सुन रहे हो, सभी को आप देख रहे होंगे, कितने सभी ने सेक्रीफाइस किए, कितना हार्ड वर्क किया है, तब सभी की आज ग्रोथ है। मगर ये ग्रोथ जो है ना हम लोगों की, जो हम पैसिव इनकम के बाद आते हैं, यहाँ पे हम सभी लोग क्या आते हैं, जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम के लिए हम सभी लोग काम करते हैं। जैसे मेरा भी एम था कि मैं पैसिव इनकम पे जाऊं, क्राउन करने के बाद पैसिव इनकम आती है, मैं काम करूं या ना करूं मुझे वो चेक आएगा। मगर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी बनती है कि मैं तो ले रही हूँ, बट मेरे लोगों को भी वही चेक आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आईबीसी कॉर्पोरेट अवार्ड हमारे सर को मिला हुआ है कंपनी का 2017 में। और बिजनेस ग्रोथ हमारी देखिए 1850 जो सामने आपका लिखा है, ये ग्रोथ 79% जो 18 और 19 की क्लोजिंग का है, ये हमारे नेटवर्क का पूरा दिया गया है। ग्रोथ राइटर हमारे कितने हैं, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन और डबल क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इन सभी का रेशियो आप देखिएगा कि कितने सारे लोग नीचे होते हैं ब्रोंज के टाइम में। फिर धीरे 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 कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग दूसरों के कहने पे छोड़ देते हैं, चलते 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 ऊपर टॉप पे कितने 47 लोग पहुंचे हैं। तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो कि आप किस नंबर पे आना चाहते हैं। वैसे मेरा नंबर यहाँ पे 281 नंबर पे आ रहा है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मैंने इतना सफर तय किया है और आप सभी लोगों के प्यार, रिस्पेक्ट और मान सम्मान से पहुंचे हैं। फिर हमारे बिजनेस टूल की बात, जो हमेशा हम कहते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ, हमारी सभी की ग्रोथ इन टूल्स पे ही है। अगर हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास अगर औजार ही नहीं है, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। तो अगर हमारे पास कार बुक है, लोगों को कार बुक दिखाइए, बताइए कि इतने लोग को कार मिलती है, और जिनके पास कार है वो अपनी वॉइस मैगजीन में दिखाएं कि देखिए मेरे को भी कार मिली है, ये मेरी वॉइस मैगजीन है। लेडीज सारी लीडिंग लेडी बुक जरूर दिखाया करें, लेडीज को अपनी पहचान कि यहाँ पे दीपाली पत्रा वाला मैम 35 लाख रुपए पर मंथ इनकम ले रही है। इसमें सारी लीडिंग लेडीज की पिक्स हैं, जिनको आप सभी लोग दिखाइए और बताइए। कॉर्पोरेट एवी की सीडी आती है, बिजनेस स्टार्टर किट है, जो हम हमेशा बोलते हैं बिजनेस स्टार्टर किट जरूर लीजिए, तभी आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी। प्रोडक्ट कैटलॉग जरूर दीजिए। आजकल क्या ट्रेंड चल गया है, सब लोग व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट कैटलॉग भेज देते हैं, मगर उसका वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। हर किसी को ज्वाइनिंग के साथ में 5 प्रोडक्ट कैटलॉग लेनी ही चाहिए। अगर 5 प्रोडक्ट कैटलॉग आप 5 लोगों के घर देके जाती हो, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, हर किसी के घर से आपको कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं तो 1000 रुपए का जरूर आपको ऑर्डर मिलेगा, और उसमें से 2 बंदे आपको ज्वाइन भी करेंगे। सक्सेस प्लान में सभी आप लोगों को बता सकते हो कि लोग कैसे सक्सेस होंगे, उसमें सारा मेथड दिया हुआ है, कितना एलओबी आएगी, डेवल फंड, हाउस फंड, कार फंड वगैरह वगैरह। फिर हमारी हेल्थ गाइड आती है, जो आजकल सीडी में भी लोग देख लेते हैं, पर हेल्थ गाइड आप लोग पढ़ा करें, उसमें बहुत अच्छी नॉलेज दी हुई है, अच्छा डीपली आपको समझाया हुआ है। वाइस मैगजीन में जो अचीवमेंट्स होते हैं वो सारे वाइस मैगजीन में होते हैं। हम लोग की हर 3 महीने के बाद वाइस मैगजीन निकलती है, जैसे मेरी भी फोटो निकलती है, और तो मैंने उसको भी पोस्ट भी किया था, आपने देखा भी होगा। और एनडीएस ये प्रोग्राम होता है, इसकी सीडी भी होती है, वैसे भी प्रोग्राम्स होते हैं। फिर हमारे सीडीज होती है, प्रोडक्ट की जितनी भी सीडी होती है वो सारी अवेलेबल है। अगर सीडी नहीं ले सकते हैं, अब सीडी का टाइम भी थोड़ा सा खत्म हो गया, तो ये इसको बंद करके अब सभी लोग यूट्यूब पे देखने लग गए। मगर फ्लिप चार्ट जो लास्ट में बना है, ये जरूर आप लोग लिया करिए, क्योंकि टेबल पर रखने के लिए होता है ये। फ्लिप चार्ट को आप होल्ड करते रहेंगे और सारा बिजनेस आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों की नॉलेज इस पे हम देते हैं। ये हमारी नीलमा मिस्ट मैम है, इनके लिए भी मैं एक जोरदार क्लैपिंग करूंगी, क्योंकि आज इन्होंने ही मुझे सिखाया कि बिजनेस को कैसे करना है, बिजनेस के टूल्स के बारे में बताया, बिजनेस की एथिक्स के बारे में बताया, और बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बताया कि अगर हम इसको वाकई में करते हैं दिल से, तो हम कहाँ पे जा सकते, कितनी हमारी ग्रोथ है। तो मैं इनके लिए क्लैपिंग, और मैं इनको हमेशा कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि आज मैम की वजह से मैं इतना सारा यहाँ पे ग्रोथ कर पाई हूँ। क्योंकि अपलाइन को हमेशा फॉलो करना चाहिए, अगर अपलाइन आपको कुछ बताती है वो आपके अच्छे के लिए ही बताती है। तो उनको सक्सेसफुल जितने भी अपलाइंस हैं उन सभी को फॉलो करिए, और आपकी भी ग्रोथ है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो हम वेस्टिज से पहले का कुछ बताएंगे। जैसे हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, मगर सपने बहुत बड़े बड़े थे, सपने बड़े एक हाउसवाइफ नहीं पूरा कर सकती, बस दिलों में रह जाते हैं कि वो सपने हम पूरे करें, और मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए। और मैं अपने पहले घर में जब घर में थी, तो मुझे कुछ करने की आदत थी, इसलिए मैं कुकिंग क्लासेस, पेंटिंग वगैरह वगैरह ये सारे कुछ ना हॉबी क्लासेस चलाया करती थी। फिर मेरे ड्रीम्स का की वजह से हमने मुझे जब किसी ने वेस्टीज बताया, और जब प्लान समझ में आया कि यहाँ पे ये चीजें मिलती हैं, तो मुझे लगा कि सच में
मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, और सभी को पता है कि सपने यूएसजी से पूरे होंगे, मगर लोग करना नहीं चाहते। जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपके सपने कभी पूरे हो नहीं सकते। तो मेरी जर्नी ये शुरू होती है यहाँ से। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, नीलमा मिस्ट मैम है, गुरु यादव सर हैं और वीर सर हैं। हमारा सेलिब्रेशन यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर का हुआ था, जब हम क्राउन बने थे, तो नीलमा मैम ने हमारा सेलिब्रेशन रिद्धि सिद्धि होटल गुड़गांव में ही है, यहाँ पे किया था, है ना। ये मेरी स्टोरी भी शुरू करती हूँ मैं, इसलिए बता रही थी कि आप लोगों को अपनी मैं पूरी जर्नी दिखाऊंगी कि अभी तक का हमारा सफर क्या रहा। अवार्ड फंक्शन, ये पहला अवार्ड फंक्शन था हमारा, जिसमें हम अवार्ड लेने गए, और जब स्टेज पे पैर रखा तो यही लगा वाह क्या जन्नत आ गई। सच में किसी ने बताया था कि वेस्टीज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां जाने के बाद और ज्यादा बिलीव हो गया। अगर जिसने इस चीज पे पैर रख लिया, वो गारंटी है कि कोई भी वेस्टीज छोड़ नहीं सकता। अगर उसने दिल से अपनाया है और दिमाग से सोच के चला है, तो कोई भी नहीं छोड़ सकता उसको, कोई कुछ भी कहने। तो ये मेरा अवार्ड सेरेमनी का पिक है। सेकंड, हमारा सिल्वर डायरेक्टर का मुझे अवार्ड मिला। ये साइड में आप देख रहे हो बैनर वगैरह वहां पे लगे होते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग के, तो उस पे मैंने फोटो खिंचाई है। ये और ये हस्बैंड है मेरा, छोटा वाला बेटा है, और एक साइड में और मेरी फोटो है। ये ड्रीम्स, ये जो भी हम खड़े हैं यहाँ पे, आप अपने आप को देखिएगा कि ये आप है, अवार्ड लेने के लिए आप गए हो। बाली सर के साथ हमारी फोटो है, वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो सभी के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो ये मेरी फोटो है गौतम बाली सर के साथ में, अवार्ड सेरेमनी में गए थे। तो जैसे स्टेज पे हम नीचे उतरे, तो उन्होंने विश किया, और साथ में फिर मैंने उनके साथ में पिक ली अपनी। स्टार डायरेक्टर लेवल, आप सभी को स्टार पता है, लेवल होता है उसके बाद। ये मेरी स्टेज की ही फोटो है, जहाँ पे देखिए साइड में संजय यादव सर भी खड़े हुए हैं, आप काफी लोग जानते होंगे उनको। संजय यादव सर ने हमें अवार्ड दिया है वहाँ पे स्टार डायरेक्टर का, यानी कि स्टार डायरेक्टर बनने के बाद में कार फंड आपको आ जाता है, यानी कि आप गाड़ी लेने के टाइटल हो चुके हो, आप जब चाहो आप गाड़ी ले सकते हो। फिर मेरा क्राउन का आया स्टार के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैंने डायमंड नहीं किया, स्टार से सीधा हमने क्राउन किया था। तो हमारा क्राउन का ये अवार्ड है, दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ। इधर गुरशरण सर हैं और पुरानी जी हैं, दोनों अम्बेसडर से मुझे ये अवार्ड मिला। कितनी प्राउड की बात है, मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि दो अम्बेसडर्स ने मुझे क्राउन का अवार्ड दिया। ये मेरी पहली गाड़ी है जो मैंने वेस्टीज के थ्रू ली है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी गाड़ी है, और ये मैंने यहाँ पे पिक ली है। और कार बुक में भी अब आ जाएगी थोड़े दिनों के बाद, पर वॉइस मैगजीन में मेरी पिक है। एक सेलिब्रेशन और मैं दिखाना चाहूंगी, जैसे मेरा क्राउन हुआ था वैसे ही सेलिब्रेशन मेरा एक डीएलसीपी पे भी हुआ था। डीएलसीपी पे आप देखिएगा सारे लोग दिख रहे हैं, आप सब लोग अपने आप को पहचान रहे हैं ना। जितनी भी लेडीज हमारे यहाँ बैठी है, ये सारी इसमें दिख रही है, कुछ अभी इसमें नहीं भी है जो ऐड नहीं है अभी इस टाइम है। तो ये सेलिब्रेशन क्या आपको किसी और चीज में मिलता है? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलता है। आप ऑफिस में अगर जॉब भी कर रहे होंगे, कितने बड़े अचीवमेंट्स कर लो आप, कितना अच्छा आपका बड़ा लेवल हो जाए, और कितना भी अच्छा आप अपने बॉस को काम करके दिखा दे, मगर ये सेलिब्रेशन, ये रिकॉग्नाइजेशन आपको कभी भी ऑफिस में नहीं मिल सकता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं मिल सकता। ये दूसरा सेलिब्रेशन हमारी नीलमा मैम ने किया जब आई थी दिल्ली, ये गुड़गांव में ही हुआ है। तो मतलब यहाँ पे सेलिब्रेशन से सेलिब्रेशन ही निकलते चले जाते हैं, एक अचीवमेंट्स का कोई एक ही सेलिब्रेशन नहीं होता है, बहुत सारे सेलिब्रेशन होते चले जाते हैं, है ना। तो ये देखिए हमारा मैम ने सेलिब्रेशन किया, यहाँ पे काफी लोग खड़े हुए हैं, ये हमारी सब लीडर्स हैं। फिर हमारा यूसीडी का सेलिब्रेशन हुआ, आपको पता है मैं यूसीडी हूँ। यूसीडी का सेलिब्रेशन के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूंगी, यूसीडी का सेलिब्रेशन मेरे लिए सरप्राइज था। मेरी टीम ने मुझे नहीं बताया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने गाड़ी भी सजाई, इन लोगों ने होटल भी बुक किया, इन लोगों ने सारा खाने पीने का इंतजाम किया, सारे बैनर पोस्टर लगाए, सारी चीजें इन लोगों ने की, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सिर्फ इन्होंने 1 घंटे पहले फोन किया था कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं और हम आपके साथ ही चलेंगे, वहां पे मीटिंग है और आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा, इतना बताया था इन्होंने मुझे। और आप आगे देखिएगा सारे लोग यूनिफॉर्म में हैं,
अगर पता होता सेलिब्रेशन तो शायद मैं अच्छी साड़ी भी पहने होती, मगर वेस्टीज ही हमारा बहुत बड़ा गहना है, इसलिए वेस्टीज की साड़ी में मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कराती हूँ। तो वेस्टीज की साड़ी में ही हमारी फोटो है, हम लोग सब यूनिफॉर्म पहने और मेरी पूरी टीम यूनिफॉर्म पहने। आप देखिए गुरशरण सर को भी इनवाइट किया है, वीर सर हैं, यादव सर हैं और गुरशरण सर हैं। आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि ऐसे अम्बेसडर्स हमारे यूसीडी सेलिब्रेशन पे आए, और यूसीडी के सेलिब्रेशन के साथ साथ मेरी एनिवर्सरी भी थी उस दिन। तो इन दोनों लोगों ने, मतलब मेरी आंखों में खुद आंसू आ जाते हैं कि हमारी टीम इतना ज्यादा मुझे प्यार करती है। क्या आपके परिवार वाले इतना प्यार करते हैं आपको? बताइएगा, दिल से सोचिएगा, मुझे मत बताइए, दिल से सोचिएगा। कितना भी अच्छा आप कर लीजिए, क्या आपके परिवार वाले इतना चाहते हैं? आपको देखिए वेस्टीज के परिवार वाले लोग कितना ज्यादा आपको प्यार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, सिर आंखों पे बिठा के रखते हैं, और इतना प्यार आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं तो अपनी टीम पे बहुत फिदा हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अपनी टीम को, ऐसी टीम शायद ही किसी को कोई देता होगा। तो हम सभी थैंक्स करते हैं, सभी अपलाइंस का और सभी डाउनलाइंस का, सभी लोग आप फोटो में देख रहे हो, इन सभी लोगों की वजह से ये सेलिब्रेशन हुआ था। इन लोगों ने कितना मुझे प्यार दिया, मैं ये कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। ये देखिए हमारे घर पे ये लोग आए थे, इन लोगों ने, ये देखिए नीचे आप गाड़ी देख रहे हो, ये सरतराठी मैम की गाड़ी है। ये गाड़ी इन लोगों ने सजाई, सजाने के बाद उसमें हम दोनों को बैठा के लेके गए थे, और मेरे घर के बाहर की ये फोटो है जहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, ढोल भी लेके आए। अब आप देखो यहाँ पे साइड में नीचे जो फोटो दिख रहे हैं, सारे यूनिफॉर्म में पहने हैं ना, सारे यूनिफॉर्म में, किसी को मतलब हमें बताया ही नहीं कि हम आपके सेलिब्रेशन के लिए आपको बुलाने आए। अभी देखिए आप साइड में पहले केक देख रहे हैं, एक यादव सर हमारे लिए केक लेके आए थे, यहाँ पे पूरी टीम के ने केक बनवाया था, और यहाँ पे दूसरी साइड में आप देख रहे हो सारे लोग हमारे घर पे आए थे ढोल लेके, और सरताराठी मैम के नीचे देखिए गाड़ी सजी हुई है। इन लोगों ने हमें अपनी गाड़ी में बिठा के और लेके गए थे, अपनी गाड़ी में बिठा के कहाँ पे लेके गए थे, जिस इवेंट, जस्ट जो इवेंट जहाँ पे कराना था उस जगह पे ढोल बजाते हुए पूरी गली में लेके गए। हम लोगों को बड़ा ऑड सा लग रहा था, मैंने कहा कोई कहेगा, पता नहीं क्या बात है, क्या इतना सब हो रहा है। और उस दिन मेरी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी इन लोगों ने किया, यूसीडी का सेलिब्रेशन भी किया। साइड में देखिए सभी लोग यूनिफॉर्म में हैं, और इन सभी लोगों का प्यार मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती हूँ, बहुत ज्यादा इन लोगों ने मुझे प्यार दिया है। क्या ये प्यार आप लोग भी पाना चाहते हैं? अगर आप लोग को भी चाहिए ये प्यार और मान और सम्मान, रुपए पैसे समय की आजादी, तो आप भी इस चीज को दिल से अपनाइए और इसको फॉलो करिए, अपनी अपना इनको कैसे करना है। ये कटिंग सेरेमनी हो रही है हमारी, इसमें आप सभी लोगों को देख पा रहे हैं, मेरी फैमिली भी साथ में है, दोनों मेरे बेटे हैं साथ में, फिर गुरशरण सर के साथ मेरी फोटो है। नीचे हम लोग आपस में एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, क्योंकि हमारा एनिवर्सरी भी थी, मेरी सिस्टर भी आई थी, मेरी फैमिली से एक दो लोग और आ गए थे। ये हमारे साइड में फिर गुरशरण सर को हम लोगों ने कुछ गिफ्ट दिया था, आए थे तो और उसके बाद क्या होता, जब हम स्टार बने थे, स्टार के बाद में हमें 3 CNT मिलती हैं, कि मिस्टर ऑफ मिलान की मैं ट्रेनर बन गई, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। उस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद में ये था कि आपको 3 ट्रेनिंग्स देनी है, तो हमने CNT ट्रेनिंग सबसे पहले करनाल में दी थी, फिर रोहतक में दी थी, रेवाड़ी में दी थी। तो मैं पहली पिक लगा रही हूँ, ये मेरी लाइफ की पहली CNT थी जिसको मैंने किया था, तो इसकी पिक मैंने जरूर लगाई आपके लिए। यहाँ पे मैं अब दिखाना चाहूंगी कि आप कहते हैं इस सिल्वर बन जाते हैं तो उसके बाद ट्रेवल फंड आता है, पेरिस, बीजिंग, रसिया, बाली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, तस्केट, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, ये सारे ट्रिप आपको मिलने वाले हैं। आपको जो लोग आप जो देख रहे हैं ना, आप सभी को मिलने वाले हैं अगर आप इसमें लगे रहेंगे तो। और मैंने क्या लिया वो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरी फर्स्ट ट्रिप थी अबू धाबी और दुबई की, मैं फ्लाइट पे फर्स्ट टाइम ही बैठी थी, पैसा कुछ भी था, बहुत ज्यादा था, जो भी था, हस्बैंड तो बहुत बार गए थे मगर हम नहीं गए थे, कभी ना कभी क्योंकि बच्चों के पेपर होते हैं, कभी कुछ ना कुछ इसके घर में रहता ही है, तो हम लोग नहीं जा पाते। फर्स्ट टाइम हम वेस्ट चीज के थ्रू ही बैठे। ये हमारी एयरपोर्ट की फोटो है,
और साइड में हम जहाँ पे ऊपर बैठे हैं ये हमारा उस होटल की फोटो है जहाँ पे 5 स्टार होटल में हम लोग रुकाए जाते हैं, उसी की फोटो है। जाते तो एक दो तो तेरे को तेल की बोतल देंगे हम, ये वेस्टीज तो के कृष्णा जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा ना वहां पे रात में होटल गाला डिनर होता है। अब आप देख रहे हो सारे वेस्टीजियन हैं। जब हम देंगे। लोग अबू धाबी दुबई गए थे तो वहां पे कोई भी बाहर का बंदा नहीं आया था, तो वहां पे सिर्फ वेस्टीजियन ही वेस्टीजियन थे। ये सारे वेस्टीजियन की ये फोटो जितनी आप बैठे देख रहे हैं, उधर गौतम वाली सर स्टेज पे है अनाउंस कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिनर, बहुत बढ़िया गाला पार्टी हुई थी यहाँ पे। हम मैम वगैरह को भी आप देख रहे हो कि सारे लोग रेडी होके हम सब लोग नीचे गए, नॉर्मल वहां की फोटो देख रहे हैं। आप लोग को अभी दुबई अबू धाबी को हम लेके चल रहे हैं, और हमारे साथ साथ जो हम फ्लाइट पे बैठे हैं तो आप लोग भी बैठे होंगे। मेरे ख्याल से जो मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों का सफर वो मेरा सफर नहीं होगा, वो आप लोगों का होगा। तो आप लोगों ने अपनी फ्लाइट में बैठ के सीट बेल्ट जरूर लगा ली होगी और आराम से इसको एंजॉय करिएगा। ये आप लोग अपने दुबई में पहुंच गए हैं। एक सबसे पहले तो मैंने दिखाया था दिल्ली का एयरपोर्ट, अब हम लोग दुबई आ चुके हैं, वहां पे हम लोगों ने लैंड कर लिया है। फिर ये सारे पोज जो हम दिखा रहे हैं ये सारे के सारे हमारे होटल के नीचे जो भी बना था वहां पे हैं। और बुर्ज खलीफा की आप बीच में देख रहे होंगे बिल्डिंग दिख रही है बहुत लंबी सी, वो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है। और हम लोग ऐसे इस तरीके से सारी जगह घूमने के लिए गए थे वहां पे। फिर सेकेंड ट्रिप हमारा क्या रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोटो दिखाएंगे तो आपको भी टाइम लग जाएगा, फोटोज तो बहुत है, हल्की सी क्लिक दिखा रही हूँ। तो सेकेंड ट्रिप हमारा ये रहा मलेशिया एंड थाईलैंड का। अब आप ये देखिए जैसे हम पहले फ्लाइट में बैठे, उसके बाद फिर हमें क्या शिप पे बैठना था। शिप पे बैठने के लिए हम पहले घर में यही सोचा करते थे कि हम कैसे बैठेंगे पानी के जहाज पे और डर नहीं लगेगा, पूरा समुद्र दिख रहा है आसपास, बीच में हमारी शिप चल रही है तो वो दिखेगा ना मुझे कि कैसे होगा, कैसे नहीं जाएंगे, डर लगेगा, ये होगा, बहुत सारे मन में दिमाग में सारी चीजें आ रही थी। मगर जब वहां पे गए तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। आप साइड में देख रहे हो कितना पानी दिख रहा है, जितनी भी फोटो हम दिखा रहे हैं ये क्रूज के अंदर की ही दिखा रहे हैं सारी फोटो। तो आप खुद भी देख सकते हो ये टेबल हमारी लगी हुई है डिनर के लिए। साइड में आप देखिए म्यूजिक चल रहा है, कंटिन्यूस म्यूजिक चलता है। जितने फ्लोर्स थे सभी फ्लोर पे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और म्यूजिक इन सभी का इंतजाम था, जितने फ्लोर से सभी पे। यहाँ पे हमने अपने रूम पे ही साइड में शीशे पे विंडो के पास में बैठे हैं, तो शीशे के पास से मैंने एक फोटो ली है विंडो से कि बाहर समुद्र पूरा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारा इंजॉय किया, बहुत ज्यादा इंजॉय, इतना इंजॉय तो शायद हम लाइफ में कभी भी नहीं कर पाते। तो ये मेरी बहुत अच्छी मेमोरी रही। और ये हमारा देखिए आपका ट्रिप दूसरे दिन का फुकेट का हमारा है, और ये भी ट्रिप हमारा यादगार रहा। किस तरीके से हम सभी लोग घूम रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कितना भी किसी के पास पैसा हो मगर अपनी फैमिली को ले जाके इतना सारा एंजॉय नहीं कर पा पाता। वेस्टीज ने हमें फ्री में एंजॉय कराया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो हम लोगों को इस तरीके से सर्व किया जाता था लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट। मैम भी आपको बैठी दिख रही है इधर, और काफी सारे लोग आपको दिख रहे हैं, हमारी फैमिली भी दिख रही है। तो हम सारे लोग वहां पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। शुभम भी ऊपर खड़ा हुआ है तो साइड में और भी शिप्स दिख रही हैं। तो मतलब जो नजारा है वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। ये जब आप खुद देखेंगे जाके ना तब आप कहोगे वाओ क्या वाकई में एंजॉय कर लिया। वेस्टीज में आके हमने पूरी जिंदगी की पूरी लाइफ को एंजॉय किया है और जिया है। अभी तो सभी लोग जी तो रहे हैं, सब काट रहे हैं, मगर असलियत में वेस्टीज में आने के बाद भी असली लाइफ क्या होती है ये आपको पता चल जाएगा। फिर हमारे कुछ दिन सेकेंड डे थर्ड डे की और ये पिक्चर्स हैं कि हम लोग कहीं और फुकेट घूमने के लिए गए। वहां पे ऐसे कुछ मंदिर वगैरह थे वहां पे गए, फिर एक रिवर पे पूरा, फिर हम लोग को ना एक सीढ़ी जैसी लगाई गई, दूसरे शिप पे बैठाला गया, बीच में ट्रांसफर कैसे किया गया, ट्रांसफर किया गया इधर से उधर जाने के लिए, वो बहुत सारी पिक्चर्स हैं बीच में। आप सभी लोगों ने खैर मेरी देखी हुई भी होंगी। ये हम अपने पूरी फैमिली के साथ, अभी देखो हम और ये दोनों लोग खड़े ऊपर, इसमें ब्लैक पूरा रिवर, जैसे शिप ही पूरी चलती थी ना तो एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, तो कहीं कहीं ना पानी समुद्र का बिल्कुल काला दिखता था। तो ये बिल्कुल ब्लैक वाटर आप भी देख रहे हो फोटो में, कितना ज्यादा काला पानी दिख रहा है। और ये अंदर है डिनर के टाइम की फोटो जहाँ पे गाला डिनर हो रहा था। ये कुछ फोटो और है, ये अंदर अंदर हमारे ये जहाँ पे हम लोग रुके थे क्रूज पे, क्रूज पे अंदर ना पूरी मार्केट भी होती थी,
ये मार्केट के साथ में हम लोगों ने पिक्चर्स सारी अपनी ली हैं, और आप नीचे देख रहे होगे लेफ्ट साइड पे, ये हमारा रेन डांस हुआ था। तो एवरी मॉर्निंग ना रेन डांस भी वहां क्रूज पे ही होता था ऊपर, तो सब लोगों ने इतना एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। तो इस एंजॉय को आप लोग भी फील कर रहे होंगे, और मैं चाहूंगी नेक्स्ट ट्रिप पे आप सभी लोग चलिए अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री भी आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो, चॉकलेट फैक्ट्री के साथ हम लोगों ने फोटो खिंचाई, वहां से बहुत सारी चॉकलेट्स हम लोग लेके आए थे, वहां सारा दिखाया गया था, चॉकलेट कैसे बनती है, कैसे पैक होती है, क्या क्या चीजें पड़ती हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने सामने ही देखी है। ये भी हमारी क्रूज की ही फोटो है, सब क्रूज के अंदर की फोटो आपको मैं दिखा रही हूँ। आप एक चीज नोटिस करिए, जहाँ सेंटर में जो हमारी फोटो लगी है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा खड़ा है, यहाँ पे वी लिखा है पीछे, बलून से पूरा वी लिखा गया था वहां पे। तो स्विमिंग पूल जो भी अंदर थे, सब में जो वेस्टीज के कलर होते हैं उन कलर से वेस्टीज को लिख के पूरा डेकोरेट किया गया था, पूरा क्रूज डेकोरेट था, वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, पूरे क्रूज पे सिर्फ वेस्टीजन ही थे और कोई भी नहीं था वहां पे। ये देखिए आप, और भी देखिए पीछे हमारा समुद्र कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है, जहाँ बीच में मेरा बेटा खेल रहा है दिव्यम, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जहाँ पे मैं भी खड़ी हूँ और दिव्यम भी, पीछे का नजारा देखिए। मैं थोड़ा होल्ड करूंगी, आप लोग देखिए क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे। वेस्टीज के साथ रहेंगे तो आपको ये ट्रिप जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है, और वो भी फ्री की मिलती है, पैसा भी नहीं लगाया मैंने। तो अपने बच्चों के साथ इस लाइफ को एंजॉय करिए। ट्विन टावर की फोटो है, कुआलालंपुर फिर हम लोग गए थे, वहां की ये फोटो है, वहां पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये कुछ साइड सीन्स हैं, वहां पे बिल्डिंग सारी बहुत ही बड़ी बड़ी होती, बहुत ऊंची, बहुत सारी ऊंची, सारी बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची हैं। फिर हम आ जाते हैं ट्रिप के बाद अपने स्टार लेवल पे, कार फ्रंट पे। आप सभी लोगों ने ये फोटो देखी होगी, कार की फोटो आप लोगों ने कार बुक में देखी होगी, तो उसका एक पेज मैंने यहाँ लगाया है। कार फ्रंट से मैंने क्या लिया, ये अपनी कार ली है, तो इस कार पे बहुत ज्यादा मुझे प्राउड होता है कि वेस्टीज के थ्रू मैंने ये कार ली है। अगर वेस्टीज में नहीं होते तो क्या ये मैं ले पाती, कार मेरे पास पहले भी थी मगर ये वेस्टीज के थ्रू मुझे कार मिली है। अगर हम क्राउन बन जाते हैं तो यहाँ पे हमें हाउस फंड मिलता है, हाउस फंड के थ्रू मैंने जो घर लिया है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने एक फ्लैट लिया है जो अभी अगर पोजिशन हमें मिलने वाला था, लॉकडाउन नहीं होता तो मिल जाता, बट अब लॉकडाउन जब ओपन होगा तब मिलेगा। फ्लैट है हमारा ये आप देखिए। वेस्टीज में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, WLC इसका नाम है, WLC हमने अटेंड की थी नीबराना में, उसकी कुछ पिक्स हैं। देखिए दीपक सर हमारे साथ हैं, कितनी बड़ी बात है कि लोग दीपक सर लोग कितने डाउन टू अर्थ हैं, जो अपनी टीम के साथ भी पिक लेते हैं। हम लोग ले रहे थे, बोले लाओ मैं सेल्फी ले लेता हूँ, तो वही आगे लेके सेल्फी ले रहे हैं। गुरशरण सर हैं जो हमारे एम्बेसडर हैं, फिर हमारी टीम जो गए थे हमारे साथ उन लोगों की फोटो है। एक और सेलिब्रेशन देखिए, हमारे बर्थडे का सेलिब्रेशन, एक और सरप्राइज दिया गया था। आप सब टीम वाले देख रहे हो और आप सब लोग खुद आपको प्राउड लग रहा होगा और आपको वो चीजें याद आ रही होंगी कि हम लोग कितना एंजॉय करते हैं। हम लोग काम तो कम करते हैं, एंजॉय ज्यादा करते हैं, और उसी एंजॉय से ही हमारी फैमिली बढ़ती चली गई और सभी के पीवी, सभी के चेक, सभी के टीम बढ़ते चले गए। ये सेलिब्रेशन किया गया था गुड़गांव में ही, और एक हमारी डाउनलाइन टीम है उसके घर में ये किया गया था। सविता जी वगैरह और अपलाइन और डाउनलाइन सभी लोगों ने मिलकर ये स्कीम को, इसको ऑर्गेनाइज किया था। वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ होता है वेस्टीज में, दिल्ली में ये फंक्शन होता है, तो इसमें आप हमारी फोटो देख सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ये सेलिब्रेशन हुआ, और वहां पे रिकॉग्नाइजेशन जो मेरा हुआ इसकी पिक मैंने लगाई है कि आप लोग भी फील करिए। सारी लेडीज, मैं चाहूंगी जो भी लेडीज हैं अगले वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में, आप सभी की पिक मुझे यहाँ पे चाहिए। हमने ये सब कुछ पाया कैसे, है ना, ये भी तो जानना चाहेंगे कि हम जितने भी लोग हैं करना तो चाहते हैं बट हम कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आज के आज जो आपने ड्रीम देखा है उसको अपने दिल में बिल्कुल बिठा के रख लीजिए, समेट के रख लीजिए, पैक करके इतना अच्छे से रखिए कि
कोई उसको ड्रीम को चुरा ना पाए। बिल्कुल चुराने मत देना किसी को अपनी ड्रीम को, मैंने नहीं चुराने दिया। लोग कहने वाले तो बहुत आते हैं, चाहे कहीं पे भी हो लोग आपको कहेंगे ही कहेंगे, बट आप क्या करना चाहते हो आपको समझना पड़ेगा। वेस्टीज क्या देती है ये आप जरूर याद करिए कि वेस्टीज आपको क्या देती है। आपके अपलाइंस से पूछिए कि वेस्टीज में ये इनकम जैसे मैम ने ली है कैसे मुझे मिल सकती है, मुझे भी ये इनकम चाहिए। तो उस इनकम के लिए जब आप काम करेंगे तो एक बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसे कर सकते हैं? ज्वाइनिंग के लिए मैं बात करना चाहती हूँ, लोग ज्यादा करें बहुत अच्छी बात है, मगर अगर जो लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं ज्वाइनिंग नहीं करा पा रही हूँ, उनके लिए ये रेशियो मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई एक भी ज्वाइनिंग कराता है तो आपके पास दो हो जाते हैं। फिर दो लोगों को भी वही बात बोलिए कि ज्यादा नहीं सिर्फ 100 पे भी कि एक एक ज्वाइनिंग करा लीजिए, तो वो दो लोग भी अपनी जो एक एक ज्वाइनिंग कराएंगे तो कितने हो जाएंगे, चार लोग। फिर चार लोग भी आपके उन लोगों से यही बात बोलनी है कि आप लोग अपनी भी एक एक ज्वाइनिंग कराइए, तो आपके हो जाएंगे आठ लोग। आठ लोगों से भी आपको वही बात करनी है कि एक एक ज्वाइनिंग कराइए, आपके 16 लोग। 16 लोग भी एक एक ज्वाइनिंग कराएंगे तो 32 लोग। 32 लोग भी एक एक ज्वाइनिंग कराएंगे 64 लोग। 64 लोग भी एक एक ज्वाइनिंग कराएंगे 128 लोग। 128 लोग भी एक एक ज्वाइनिंग कराएंगे 256 लोग। फिर जैसे ही 256 लोग एक एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो 512 लोग हो जाते हैं। फिर 512 लोग एक एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो 1024 लोग हो जाते हैं। 1024 लोग एक एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो 2048 हो जाते हैं। और 2048 लोग भी अगर एक एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो 4096 लोग हो जाते हैं। क्या कुछ कठिन काम है? नहीं काम है। हर बंदा एक ही ज्वाइनिंग करा रहा है, एक ही ज्वाइनिंग, एक साल में आपको 4096 लोग हो जाते हैं। तो 4096 लोगों की टीम आपको पास मंथली इनकम 3 लाख रुपए, फॉरेन ट्रिप और कार ये आपको दिलाती है, और घर हाउस फंड से घर भी आने लग जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको लेना है, ज्यादा करता है तो और जल्दी हो जाता है, अगर जो नहीं करता है या नहीं कर पा रहा है किसी रीजन से, तो एटलीस्ट एक ज्वाइनिंग पे फोकस जरूर करें, जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेस्टीज।